दोस्तों इस फर्स्ट क्यूएनए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्यूएनए वीडियो में मैंने आपके कुछ सवाल लिए हैं और उन सवालों के आधार पर ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। शायद आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आप में से ही अनमोल मिग 20 का मुझे कमेंट आया था जिसमें वो मुझे पूछ रहे हैं, सर मैं यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी उंगली थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो क्या मुझे यूपी कांस्टेबल में सेलेक्ट कर लिया जाएगा? तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं यूपी पुलिस के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकता। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे यूपी बिहार एमपी पंजाब कोई सी भी पुलिस हो, अगर आपकी उंगली थोड़ी सी मुड़ी हुई है तो शायद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आर्मी की बात की जाए तो हाँ दोस्त, आर्मी के अंदर आपको दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर जो मेडिकल लिया जाता है वो बाहर के जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वही लेते हैं, इसीलिए शायद आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कमेंट है बोरो प्लस का, जिसमें वो पूछते हैं पैर की उंगली छोटी है तो क्या कोई दिक्कत होगी? दोस्त अगर आपके पैर की उंगली छोटी है, अगर आपके पैर स्वस्थ हैं, अगर आपके पैरों में चोट नहीं है, तो शायद आपको इंडियन आर्मी के मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको आर्मी में सेलेक्ट कर दिया जाएगा, आर्मी में फिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी उंगली बिल्कुल ही नहीं है तब आपको परेशानी आ सकती है, आपको बाहर किया जा सकता है। तीसरा कमेंट है हर्ष रावल का, सर मेरा पैर का अंगूठा ही नहीं है। दोस्त अगर आपके पैर का अंगूठा बिल्कुल भी नहीं है तो आपको इंडियन आर्मी मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन तेरे को परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन आर्मी के अलावा और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जिसमें आप जा सकते हो, जैसे यूपीएससी क्लियर करके आप आईएएस बन सकते हो। इसके अलावा आपके राज्य में जो लोकल सेवाएं होती है उनमें आप जा सकते हो, दूसरी जॉब में ईमानदारी से अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हो, देश में अपना नाम कर सकते हो। इसके अलावा तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है। चौथा सवाल है हंसना मना है, गगन भाई अपना चैनल मुझे सेल कर दो। तो भाई आपको बताना चाहूँगा, मैं मेरा चैनल सेल नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरा चैनल है ही नहीं, ये इंडियन आर्मी के उन दीवानों का चैनल है जो कि इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और मुझे अनेक प्रकार के कमेंट करते हैं। शायद आपने भी मुझे कमेंट हंसी मजाक में किया है, तो मैं इस चैनल को सेल नहीं करने वाला। पाँचवा कमेंट है लोकेश कौसरिया, ब्रो आर्मी मेडिकल में पैराग्राफ पढ़ाते हैं क्या? दोस्त अगर आप आर्मी मेडिकल देने जाओगे तो आपको वहाँ पे अखबार पढ़ाया जाता है, अखबार पढ़ाने के बाद में उनको पता चल जाता है कि आप अकलाते हो या नहीं अकलाते। अगर आप नहीं अकलाते हो तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप बहुत ज़्यादा अकलाते हो तो आपको मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाएगा, फिर दोस्तों आपका वापस से भी मेडिकल होगा, अगर वहाँ भी आप अकलाए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके 5 सवाल थे जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आपके क्या कमेंट हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें, हो सकता है आने वाला वीडियो में आप ही के कमेंट के आधार पर बनाऊं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।